नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। और दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है बीएड के जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, जिन्होंने कि बीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के किसी भी संबंधित कॉलेज में इस बार एडमिशन लिया है 23-22-23 वाले सत्र में, उनके लिए हम बात कर रहे हैं। सो, उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, एग्ज़ाम फॉर्म जो एक्चुअली वो फिलअप किया जा रहा है, तो आप जो है अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपका रोल नंबर आ गया होगा, उस रोल नंबर को आप यूज़ करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन ये स्किप करने से पहले दो तीन बातें और सुन लीजिए। फॉर्म फिलअप करने के दौरान बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, तो उन गलतियों को आप ना करें, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट, पेपर कोड, पेपर सही सेलेक्ट करना है, कौन सा पेपर आप देने वाले हैं, आपके लिए कौन सा पेपर होता है, वो सारी चीज़ें पहले नोट डाउन कर लीजिए पेपर में, उसके बाद ही पेपर को आप फिल करिएगा। तो चलिए मैं वेबसाइट पर लेके चलता हूँ, जहाँ से आप जो है इस चीज़ को देख सकते हैं कि कहाँ पर आपका एप्लीकेशन फिल हो रहा है। तो मैं आपको वेबसाइट पर डायरेक्ट लेके चल रहा हूँ, आपको करना कहाँ पर है वो आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो हमारे सामने दोस्तों वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर का, यानी कि इसका जो वेबसाइट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, हमेशा आप अपना मार्क कर सकते हैं कि ये हमेशा यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, vbspuexams.com। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली भी जाकर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसके बाद में इस वाले लिंक पर क्लिक करना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो लिखा है सेमेस्टर फॉर्म्स, सेमेस्टर वाले फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको जो है ये ऑप्शन खुल के आएगा सामने, बीएड रेगुलर स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर ओनली। ध्यान रखिएगा, थर्ड सेमेस्टर वगैरह और दूसरे सेमेस्टर के लिए नहीं है, ये जस्ट अभी रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए ही ओपन हुआ है पोर्टल, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है आप जैसे इस लिंक को क्लिक करते हैं तो आप माफ़ करिएगा, सीधे ही सीधे आप इस पेज पर आ जाते हैं, बीएड प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय या ऑनलाइन करते समय प्रवेश परीक्षा का अनुक्रमांक डालें। अभी आपको प्रवेश परीक्षा, याद रखिएगा कि आपने जो यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, यानी कि बीएड करने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था ना, यूपी जेई, यूपी बीएड का जो जेई एग्ज़ाम होता है, उसका रोल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ आपके पास होगा, अगर नहीं होगा तो अपना मेल चेक करिएगा, मेल पर मिल जाता है आपको, आपके एडमिट कार्ड में भी होगा तो आप देख लीजिएगा उसको, इवन आपके मैसेज में भी आया होगा तो इनबॉक्स में भी होगा, तो आपके पास कहीं उसको यहाँ पर एंटर करना है, तब जाके आपके फॉर्म फिलिंग के। अब आपको क्या क्या सब्जेक्ट भरने हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अलावा दूसरे पेपर ऐड मत करिएगा। तो मैं आपको पेजेस पे लेके चलता हूँ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट के लिस्ट पर आपको लेके चलता हूँ। तो आपके सामने मैंने पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो रख देता हूँ, ताकि आपको समझ आए कि पेपर कौन कौन से फिलअप करना है। जस्ट ए मिनट, जस्ट स्क्रॉल कर देता हूँ, माफ़ करिएगा, थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। देखिए, अब आपको आपके पेपर में विद पेपर कोड ये फिल करना है, यहाँ पर माफ़ करिएगा, जस्ट ए मिनट। हाँ, देखिए ये सारे फॉर्म, अब यहाँ पर आपको कोर कोर्स 101 तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप आपको सेलेक्ट करें, अपना कंटेम्प्रेरी इंडिया, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर, लर्निंग एंड टीचिंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। और हाँ दोस्तों, अगर इन सारे सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स चाहिए, चाहे वो हिंदी या इंग्लिश में, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। सभी नोट्स बहुत ही अच्छे तरीके से, स्ट्रक्चर तरीके से मिले हैं, आप चाहें तो चैनल पर आकर लोगों के कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं, जिसको आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप हमारे साथ क्यों जुड़ सकते हैं। खैर, रेस्ट बात है। उसके बाद ये देखिए, ईपीसी के जो पेपर्स हैं ना, ये भी आपको सेलेक्ट करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसे सेलेक्टेड होगा, अगर नहीं है तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको 101, 102, 103 और 104 ये सारे पेपर्स को ध्यान से रख के सेलेक्ट करना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपके सामने जस्ट इसको रख दे रहा हूँ, आप ताकि इस पेपर को ही आप भरें, यही, इसके अलावा दूसरा पेपर आपको नहीं फिलअप करना है। तो ये था प्रोसेस, फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वो भी यूज़ कर लीजिएगा।